बंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। मेष राशि के जो जातक है शनि महाराज आपके कुंडली में 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक अस्त होने जा रहे हैं। इस समय जिस भाव में वो बैठे हैं, आपके एकादश भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। लाभ का भाव मतलब जहाँ से आप अपना गोल देखते हो, लक्ष्य देखते हो, उद्देश्य देखते हो, उस जगह पे शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं, क्या समस्याएं खड़ी करने जा रहे हैं, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। जो इनकी तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि शनि महाराज के आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है। लग्न पे आप अपना तन देखते हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव ये सब आपका देखा जाता है। तो वहाँ पे शनि महाराज के असर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका पंचम भाव है कुंडली का, शनि महाराज की सातवीं दृष्टि उस पर पड़ रही है। तो वहाँ से आप अपना प्रेम प्रसंग, शिक्षा दीक्षा, जो आपके सरकारी काम काज हैं, जो आपका व्यापार है, उस क्षेत्र से देखा जाता है। तो वहाँ पे शनि महाराज के असर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका कुंडली का अष्टम भाव है, शनि महाराज की दसवीं दृष्टि उस पर पड़ रही है। वहाँ से आप अपना रोग मृत्यु, जो आपके कुटुंब हैं जिससे आप परेशान होंगे, नानी का घर, ये सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो वहाँ पे क्या असर करने जा रहे हैं, मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा। शनि महाराज ये 28 साल के बाद ऐसे योग बना रहे हैं जो आपको परेशान कर सकता है। तो इसके लिए क्या अचूक उपाय है, तो उपाय पे भी चर्चा करूँगा और इनका एक एक करके असर भी बताऊँगा कि किस पे कितना असर पड़ने जा रहा है। तो ये सारी चर्चाएँ मैं इस वीडियो पर करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं प्रथम भाव में जहां पे शनि महाराज बैठे हुए हैं, जो कुंडली का एकादश भाव है, वहां पे अस्त होने जा रहे हैं 11 फरवरी से। अस्त होने का मतलब होता है कि जब सूर्य महाराज उस क्षेत्र में आ जाते हैं तो इनकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि दूसरे प्लैनेट, दूसरे ग्रह जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो चले जाते हैं, पर सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि दूसरे ग्रह जो होते हैं उनकी रोशनी से छिप जाते हैं। इसके वजह से कहा जाता है कि कुंडली में वो जो ग्रह है वो अस्त हो गया है, क्योंकि सूर्य की रोशनी सभी जानते हैं कि जब भी ये तारा मंडल में निकलते हैं तो जितने भी तारा होते हैं सब अस्त हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, आँखों से ओझल हो जाते हैं, हम उसी को अस्त कहते हैं। कुंडली में प्रथम भाव में जहाँ पे शनि महाराज बैठे हुए एकादश भाव कुंडली का, वहाँ से आप अपना लक्ष्य देखते हो तो यहाँ पे आपका जो लाभ का प्रमाण है वो घट जाएगा। आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, आप नौकरी करने के लिए जो सोच रहे थे वहाँ से आपका पैसा रुक सकता है। आप सोचोगे कि मैं व्यापार जो कर रहा हूँ, मेरे बगैर यदि हमारा व्यापार चल रहा है तो मैं क्यों जाऊँ, मैं घर पर ही बैठा रहता हूँ। आलस्य का प्रमाण बढ़ जाएगा। आप अपने रिश्तेदारों से खासकर परेशान हो जाओगे, आपसे वो बहुत ज़्यादा उधार आपसे लेना चाहेंगे, और यदि आप इस जगह पे आप उनको पैसा दे दोगे तो निश्चित ही आप फंस जाओगे, आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। इस भाव में आप देखेंगे कि आपका जो पैसा रिश्तेदारों से मिलने वाला था, तो कृपया करके रिश्तेदारों को उधार इस समय आप पैसा मत दीजिएगा। रिश्तेदार आपको परेशान कर सकते हैं, निश्चित ही परेशान करेंगे। कुंडली से जो शनि महाराज एकादश भाव में लाभ के भाव से अस्त हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो उधार का पैसा है वो मुश्किल से ही मिल सकेगा आपको। जो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है, आपका तन, आपके मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि सूर्य का उदय हो रहा है, इसलिए आपका प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन आपका जो स्टमक है, जो आपका पेट है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, सूर्य की रोशनी तो बाहरी आवरण पे पड़ता है, आंतरिक आवरण पे नहीं पड़ता है, तो आंतरिक आवरण पे शनि महाराज प्रहार करेंगे। आंतरिक आवरण मतलब आपका जो पेट है, स्टमक है, आँखों का इन्फेक्शन है, वो बढ़ सकता है। तो आप अपनी पेट की समस्या लेके थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, बाहर की वस्तुओं को थोड़ा सा उपयोग में कम लाइएगा। शनि महाराज की जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है, ये आपके कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहा है। पंचम भाव पे मतलब जो आपके पार्टनर हैं, पार्टनर का मतलब जो आपके प्रेम प्रसंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, या आप किसी जगह पे जा रहे हो, टूर पे जा रहे हो, जो आपके दोस्त हैं, वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है। आपको शिक्षा दीक्षा में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। आप सोचोगे कि आज मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर आप बोलोगे नहीं चलो एक घंटे बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपके अंदर आलस्य बढ़ जाएगा, नींद भी नहीं आएगी आपको। लेकिन
आपके अंदर आलस्य का प्रमाण बढ़ा रहेगा, आप पढ़ाई लिखाई से दूर होते जाओगे। तो अपने आप को थोड़ा सा सजोइएगा, आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, यहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। साथ ही साथ शनि महाराज की जो दसवीं दृष्टि है, दसवीं दृष्टि का मतलब है ये आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ता है। अष्टम भाव जहाँ से आप अपने हेल्थ को देखते हो, रोग को देखते हो, तो शनि महाराज यहाँ पे आपको अकेला करने जा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सबसे दूर हो जाऊँ मैं, आपको एकांत बहुत पसंद आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला रहूँगा तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और शनि महाराज एक तरह से आपको आप हो क्या ये एहसास कराने जा रहे हैं। जैसे आपके रिश्तेदार आपको धोखा देंगे तो आपको ये तो मालूम पड़ेगा ना कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो शनि महाराज ये पहचान भी कराते हैं कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। तो आपके अंदर ये भी ये उत्पन्न करेंगे कि आप इसको पहचानो, ये आपके लिए अच्छा है ये आपके लिए बुरा है, ये भी पहचान कराने जा रहे हैं शनि महाराज। तो शनि महाराज को शांत करने के लिए क्या खास उपाय करें? शनि महाराज को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया नियम है कि आप अपने अंदर से आलस्य को त्याग दीजिए। सबसे पहला नियम है, आलस्य त्याग दोगे शनि महाराज वैसे ही खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ आप ओम सम शनिश्चराय नमः जो उनका सबसे प्रिय मंत्र है इसका आप जाप कर सकते हो। साथ ही साथ नीलांजन समाभासम रविपुत्र मेमाग्जम छाया मातरंड शंभुसम तम नमामि शनिश्चरम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। साथ ही साथ काली उड़द का आप दान कर सकते हो हर शनिवार के, इस दिन भी आप तीखी वस्तुओं का दान कर सकते हो शनिवार के दिन, इससे भी जो शनि है वो शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। तो इतनी सारी जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ इसमें से कोई सी भी रेमेडी जो आपको प्रिय लगे आप वो कर सकते हो। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कुंडली में कमेंट में अपना नाम, अपनी समस्या और अपना जन्म तारीख लिखिएगा। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और अपनी समस्या लिखिएगा। अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे प्रेम कर सके, सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आशीर्वाद ले सकें, प्रेम पा सकें, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।